हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज अपने वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल आयुर्वेदिक सर्विसेज पर। दोस्तों, थोड़ा सा हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, इसीलिए आवाज़ सही नहीं आ रही है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहां पर यूजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो मेजर सब्जेक्ट है वो कितना रहेगा और कितना सब्जेक्ट टोटल रहेगा, तो इसको मैं एक फॉर्म के ज़रिए बताऊंगा और उसके साथ ही कौन कर सकता है, कॉलेज या साइबर वाले। यहाँ बहुत से बच्चे इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। तो अब इसको कॉलेज को करना है कि आपको जो है वो करना है, मैं पूरी बात अपनी इस वीडियो में आपको क्लियर करता हूँ। चलता हूँ वीडियो की तरफ, आपको पूरी बात समझाता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों ने ये नोटिस तो देखा होगा और इस नोटिस पे ये सारी चीज़ें बताई जा रही है। साथ ही साथ मैंने कल पोर्टल के ऊपर भी आपको काम करके दिखाया था, पोर्टल पे भी लेके चलता हूँ। पोर्टल को भरने के लिए मैंने यहाँ पर जो है आपको ये बताया था कि ये कौन कर सकता है, इतना ये समझ ले ये सिर्फ और सिर्फ कॉलेज ही कर सकता है, कोई भी साइबर वाला नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका ये पोर्टल जो है एक्टिवेट होता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एडमिशन है, रिजल्ट्स है, कॉलेज है, डाउनलोड्स है, तो फॉर्म तो सब भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एडमिशन और कॉलेज पोर्टल दिया, दो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब सेशन ये सारे पोर्टल जो है कॉलेज की तरफ से, एडमिशन जो है एडमिशन पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे तो एडमिशन के कॉलेज लॉगिन हो गया, एप्लीकेंट लॉगिन आ गया, यानी जो लॉगिन फॉर्म अपना भरते हैं वो है। तो अब यहाँ पर कॉलेज लॉगिन पे जाके अंदर में इंटर करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक कॉलेज का जो है डिटेल ओपन की है और इस डिटेल के साथ ही यहाँ पर चेक दिया हुआ है, अलोटेड दिया हुआ है। अब यहाँ पर चेक फॉर्म है और अलोटेड है। अब सब्जेक्ट जो अलोट करना है वो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। मैंने जैसे अलोटेड सब्जेक्ट्स पे क्लिक किया है वो आपके सामने आ गया। यहाँ के बाद यहाँ पे एप्लीकेंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है, तो मैं आपको एप्लीकेशन नंबर डाल के भी दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म आपने भरा है वो सारा फॉर्म आपके सामने आ गया है। ये पूरा फॉर्म खुल के था, यहाँ पे आपकी फ़ोटो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। अब इस फॉर्म को जब आप कंप्लीट करेंगे, या फॉर्म को मैं नीचे ले जाके आपको दिखाता हूँ, तो इस फॉर्म को आपको कम्प्लीटली मैं पूरा नीचे शो करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। फॉर्म जब कम्प्लीट हो जाएगा, होने के बाद यहाँ सब आप जो है यहाँ पर आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पर मौजूद है। ये सारे सब्जेक्ट आपके हैं, पहले ये सब्जेक्ट हुआ करता था मेजर के तीन, अब मेजर के दो है। हिंदी हो गया, स्किल्स में जो भी आप ले को सर्कुलर ले, यानी न्यू एजुकेशन में पॉलिसी में दिया जाएगा, और ये चार प्रति में होगा। पहला देख सकते हैं क्या एडमिशन सेल दिया गया है, ठीक है, एडमिशन सेल। दूसरा एजेंसी कॉपी है, तीसरा जो है यूनिवर्सिटी के पास रहेगी, और चौथा एक कॉपी जो है वो आप लोगों को भी मिलेगी। तो ये पूरा क्राइटेरिया यहाँ पर मौजूद है, जिसके ज़रिए सारी चीज़ें जो है ये आसानी के साथ हो जाएंगी। अब अगर आपको सब्जेक्ट वगैरह चेंज भी करना हो तो आप कॉलेज में जाकर अपने सब्जेक्ट को चेंज करा सकते हैं। कॉलेज इसको जो है सब्जेक्ट चेंज कर देगा, आपको ये फॉर्म करके जमा करना हो, कैंडिडेट कॉपी है, क्योंकि चार फॉर्म मौजूद है यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, और अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करना ना बोले, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, क्योंकि पूरा फॉर्म है सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे कोर्स बीए बीएससी कुछ भी हो सकता है, रोल नंबर आपका अभी है नहीं, कैंडिडेट का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, फादर नेम होगा, कितना क्वालिफाई मार्क्स है, वेरीफाइड है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, और अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करना ना भूलें, मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूँ। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो।